अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारा एक हफ्तावार प्रोग्राम रहता है और हमारे हफ्तावार प्रोग्राम में आज हमारे खास मेहमान है आईजीपी एसपी पानी साहब, हमारे साथ फोन लाइन पे मौजूद है आज के इस हफ्तावार प्रोग्राम में। सबसे पहले आईजीपी कश्मीर आपका मैं शुक्रिया अदा करना चाहूंगा, हमारे साथ आज पहली बार हमारे इस पे आए हैं हफ्तावार प्रोग्राम में, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपका स्वागत है हमारे प्रोग्राम में। जी शुक्रिया जी, हमारा सबसे पहले आपसे ये सवाल है कि हमारे जितने भी इतना कह सकते हैं कि दिन रात वो अपने काम पे लगे रहते हैं, लेकिन सर अभी जो है आज बड़ी खबर आ रही है जिले कुपवाड़ा से, जिले कुपवाड़ा से चार यूथ जो है उन्होंने मिलिटेंसी ज्वाइन की थी 24 अगस्त को, उनका फोटो जो है वो वायरल हुआ था सोशल मीडिया पे, और आज ये खबरें अभी आ रही है कि वो चारों जो है पुलिस की हिरासत में है, उन्हें अरेस्ट किया गया, किस हद तक सही है और आपके पास क्या तफसीलात है इस हवाले से? जी, जैसे आपने बताया कि पहले तो पुलिस के जवानों का जो मेहनत है उसकी हम पूरी तरह से सराहना करते हैं, और आपको जैसे पता है कि जेएनके पुलिस पूरी तरह से कमिटेड है सोसाइटी के लिए, हमारी काफी लोग उनकी शहादत रही है और जिस हालातों में वो काम करते हैं वो काबिले तारीफ है, और उसको हम तहदिल से उनको हरदम हम एक फैमिली की तरह हर कोई उनके साथ खड़ा है। और दूसरी जहाँ तक ताल्लुकात है, आपने बताया ये सोशल मीडिया में चार लड़कों के फोटोग्राफ जो वायरल हुए थे हथियार के साथ, वो हिरासत में लिए गए हैं। इसमें जो है कुछ एक खबर आई थी आर्मी के पास और उसके बाद पुलिस वहां पहुंच के उनको हिरासत में ली है, लेकिन उसमें जो सबसे बड़ी बात है कि वो फैमिली और जो लोग हैं उनकी सपोर्ट की उसमें जरूरत होती है, और वो लड़के जो है वो उनको पकड़ा गया है और उनके अभी क्वेश्चनिंग चल रहा है, तफ्तीश चल रहा है, जैसे भी इसमें कुछ इम्पोर्टेंट चीज होगा हम वो बताएंगे। तो मतलब क्या समझते हैं आज आप इस चीज से कि फैमिली किस तरह से सपोर्ट कर रही है कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चे वापस आए, तो पुलिस का इसमें क्या रोल रहेगा, क्या पुलिस इनको सपोर्ट करेगी, ऐसे यूथ को सपोर्ट करेगी? देखिए, जैसे पहले ही पता है पिछले साल और इस साल मिला के करीब 14 से 15 लड़के जो है जो दहशतगर्दी के रास्ते में गए थे वो वापस आए, वो वापस फैमिली के सपोर्ट से आए हैं, और ये एक ऐसा सिस्टम है जहाँ पे फैमिली जो बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, लड़कों को कुछ समय सोशल मीडिया का इम्पैक्ट होता है, किसी के बहकावे में आते हैं, इंडोक्ट्रिनेशन होता है, तो वो एक ऐसा कदम उठाते हैं जो कि डेंजरस होता है, तो उसको मुकाबला करने के लिए सबसे अहम जो है फैमिली और कम्युनिटी का रोल है। और मैं आपको अश्योर करता हूँ कि जे एंड के पुलिस की जहाँ तक ताल्लुक है हम उनको हर तरह की मदद करेंगे कि वो मेन स्ट्रीम में आए और वायलेंस का कोई भी फॉर्म पे ना जाए। चलिए आजीबी साहब, आपसे और एक सवाल जानना चाहेंगे, जैसे कि साउथ कश्मीर की बात हो रही है, कल वहाँ पे ये जो कहा जाता है कि हेड आउट एक जो है बस्त किया गया है, आपके पास क्या तफसीलात है इस खबर के हवाले? देखिए, उसमें तीन हाइड आउट जो है वो मिले हैं और उसमें से भारी मात्रा से जो एक्सप्लोसिव्स बनाने के सामान होते हैं, डिटोनेटर होते हैं, उस तरह के सामान बरामद की गई है। उन हाइड आउट्स की जो 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 लोग हैं उसमें इन्वॉल्व हैं उनको जेल हिरासत लिया गया है और उसमें भी तफ्तीश रवा है। आगे इसमें क्या कार्रवाई की जाए, अभी तक कोई अरेस्ट हुआ है? जो मजीद हाँ, मैंने बताया कि कुछ लोगों को जेल हिरासत लिया गया है, जो मजीद कार्रवाई कानून के मुताबिक होती है वो की जाएगी, और बाकी जो है इसमें अभी तफ्तीश चल रही है। चलिए और एक सवाल आपसे जानना चाहेंगे, बादशाही बाग में जाहिद इकबाल एक नामी लड़का है, उसकी फैमिली जो है आज डिमांड कर रही है, काफी साल पहले जो है उसकी मौत वाकया हुई थी, दिराज से एक उसकी डेड बॉडी जो है रिकवर हुई थी, उसके बाद जो है इन्वेस्टिगेशन जारी थी, कुछ लोगों को इसमें अरेस्ट भी किया गया था, उसके बाद उन्हें छोड़ा गया, लेकिन आज भी फैमिली डिमांड कर रही है कि हमें जस्टिस नहीं मिला है। इस बारे में जो आपने मुझे बताया मैं इसका पूरा कॉग्निजेंस लूंगा और जो हम उनसे मिलेंगे भी और इस केस को मैं रिव्यू करूंगा और जो भी उसमें कानून के मुताबिक सही है उसका हम करवाएंगे और ये मैं आपकी माध्यम में उनको एश्योर करता हूँ। जी, तो मतलब आने वाले दिनों में इन्वेस्टिगेट किया जाएगा एक बार फिर से? जी, जो अभी जैसे आपने बताया मैं पहले इसके रिपोर्ट लूंगा कि क्या हुआ है और किस तरह की कार्रवाई कहाँ रुकी है, क्या किया जा सकता है, जो भी उसमें मजीद कार्रवाई होगी वो हम करेंगे।
चलिए आईजीपी साहब, आपके साथ चलते चलते एक लास्ट सवाल आपसे जानना चाहेंगे। क्या वादी कश्मीर की, अगर हम साउथ कश्मीर की बात करें, तो मिलिटेंसी लगातार जो है हमें अप नजर आ रही है, तो आगे कैसे निपटेंगे आप इनसे, क्योंकि न्यूज जो है वो ज्वाइन हो रहे हैं इसमें एंड मिलिटेंसी के ताल्लुक है। मिलिटेंसी और मिलिटेंट जो बढ़ावा देते हैं जी, वो लोग कानून के गुनहगार होते हैं। पुलिस जो भी कार्रवाई कानून के दायरे में होता है वो करता रहता है, और मैं ये कभी नहीं बोलूंगा कि मिलिटेंसी वहाँ पे हावी हो रही है। वहाँ पे काफी हद तक नॉर्मल सी आ गई है। बहुत से जिलों में जिस तरह के मिलिटेंट रिलेटेड वायलेंस जो है उसमें कमी आई है, लेकिन इस सब के बावजूद जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि हमें अमन चैन की तरफ जाना है, और उसमें कम्युनिटी, फैमिली, सोसाइटी, उन सबका उतना ही अहम किरदार है जितना पुलिस का है। तो मैं आपके माध्यम में सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो भी इस तरह के फैमिलीज को लगता है कि कोई यूथ ज्वाइन करने वाला है या जाने वाला है, बहुत सी जगह हम वीडियो पे देखते हैं कि फैमिली बार बार उनको बुला रही वापस आने के लिए, कुछ लड़के वापस भी आए। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि हमें वायलेंस का रास्ता छोड़ना है और अमन चैन की रास्ता पकड़ना है। तो क्या आप क्या मैसेज आज देना चाहते हैं यूथ को? मैसेज है कि पुलिस आपके साथ है। हम एक ट्रांसपेरेंट और एक कम्युनिटी ओरिएंटेड पुलिस सिस्टम में बिलीव करते हैं, जिसका जो 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 बेसिस है वो रूल ऑफ लॉ है। तो हम भी आपको एश्योर करते हैं कि हम आपके लिए हैं, और आपके जो भी मसाइल होते हैं पुलिस रिलेटेड उसको हम पूरी तरह से ट्रांसपेरेंटली और लीगल रिस्पॉन्स हम आपको दिया करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो नाजरीन, आपने सुना कि ये थे हमारे साथ आईजीपी कश्मीर एसपी पानी साहब, हमारे साथ फोन लाइन पे बात कर रहे थे, जिन्होंने आज एक बड़ी बात कही है। उन्होंने ये कहा है कि यूथ को चाहिए कि वो सही रास्ता इख्तियार करे, और आज आगे आईजीपी साहब ने ये भी हमें कहा कि हम पब्लिक के साथ शाना बशाना है। जहां पे भी पुलिस रिलेटेड काम होगा हम पब्लिक के साथ शाना बशाना है, और हमें पब्लिक का भी सपोर्ट चाहिए। चलिए, आईजीपी कश्मीर एसपी पानी हमारे साथ थे, आपने सर बात की इस हवाले से, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शुक्रिया।